Parle Agro, an Indian beverage company. We asked few people, what comes to your mind when we say Parle Agro? Parle से Parle जी ही पता है. Parle जी का नाम सुना है. Parle Agro का नाम सुना है तुमने? एक ही जगह देखा है मैंने Parle Agro का नाम वो एपिफिस की बॉटल पे लिखा रहता है उसी पे. Parle Agro is an offshoot of Parle Products, a company that was established in the British era. The original company was split into three separate companies wherein Parle Agro got hold of the beverages category. The brands that fall under Parle Agro are Fruity, Appy, Appy Fizz, Bally, Dishum, Frio, Bally Soda and Beefizz. What comes to your mind when we say Fruity? Fruity jaise mango ka ye जैसे ठंडा ठंडा कर रहे जाता है मैंगो फ्रूटी फ्रेशन जूस से क्योंकि मुझे फ्रूटी बहुत पसंद है. मैं ड्रिंक में सिर्फ वही पीती हूँ. मतलब नाम से ये लगता है कि कोई हम कोई फ्रूट का फ्लेवर पी रहे हैं. कोई फ्रूट बाकी ड्रिंक्स क्या है वो उसमें फ्रूट फ्लेवर नहीं होता है. और इसको हम लगता है नेचुरल फ्रूट कुछ पी रहे हैं और उसको पीने के बाद एनर्जी फील होती है. और बहुत बहुत अगर टायर्ड है तो उसको पीना अच्छा लगता है और फ्रेशनेस भी फील होता है. मीठा स्वीट दूसरी चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो एक आपको शुगर के नाते थोड़ी सी एक एनर्जी भी मिल जाती है. मुंबई क्यों? मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम मुंबई में मैं इसको लेता था. दूसरा बस, क्योंकि मुझे पापा ने पहली बार बस में फ्रूटी दी थी. याद आते मेरे बच्चे 5 रुपए लेकर के फ्रूटी लेने जाते थे और बहुत खुश होते थे. उन फ्रूटी एक टीवी में भी आती थी वो लड़की. टाइम्स मी ऑफ अफोर्डेबल ड्रिंक soft drink that is easy to carry and of Shah Rukh Khan because I've seen somewhere adding, you know, advertising for it. Apart from it, this is something that I really prefer when I'm watching movies at home. Okay. Fruity is anything related to fruit. Parle cheese. Mango, it is also a legendary product of Parle. It also reminds me of Parle. What comes to your mind when we say Appy? एक दो बार ट्राई किया लेकिन उतना पसंद नहीं आया. क्यों? एक्चुअली वो नेचुरल नहीं है, इसलिए नेचुरल ड्रिंक जितना ये हेल्दी रहता है उतना ये नहीं है. लाइक फिल्स वगैरह तो पार्टी से एसोसिएटेड अच्छा लगता है. पार्टी से एसोसिएटेड लगता है. हाँ, मतलब एप्पी फिज भी देखिए एप्पल उसके एप्पल का वो आता है. एप्पल जूस की तरफ नहीं जाता है एज अपोज्ड टू अदर एप्पल ड्रिंक. अच्छा, एप्पी फिज से तो बस ऐसा लगता है कि बॉटल खोलो तो बबल्स बाहर आ रहा है या पेट में कुछ हलचल जैसी होगी उसको पी करके. अच्छा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया एप्पी फिज. ओके, चलिए. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव विद फ्रूटी और एप्पी? बड़ा पाव जी और मैगी, चिप्स और नमकीन ले लीजिए. आई वुड लव टू हैव इट विद जस्ट प्रोबब्ली व्हाइल वाचिंग अ क्रिकेट मैच. स्पाइडरमैन टॉय मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रेड के साथ. मतलब सबवे बर्गर का ब्रेड होता है ना. आई मोस्टली प्रेफर केक, ऑरेंज चिप्स, चॉकलेट रोटी के साथ चिप्स में भी. फिर हाँ चिप्स ही, मतलब फ्रूटी स्वीट और कोल्ड ड्रिंक है कुछ सॉलिड और तीखा ऐसा ही प्रेफर करेंगे. मीन्स जब कहीं एंजॉय करने जाते हैं जैसे थिएटर वगैरह में पिक्चर देखने जा रहे हैं तो वहां पर चाहिए स्नैक्स के साथ स्पाइसी, मतलब चटपटे चिप्स हो, पैटीज हो, नाचोस हो, इस तरह की जो भी चीजें, जो भी समोसा हो. Okay. इन चीजों के साथ लाइक जैसे छोटे पैकेजेस में आता है इतने इतने के में. तो लाइक ट्रैवल करते वक्त काफी लाइक सही होता है लेने के लिए, रखने के लिए. अच्छा. और लाइक कोल्ड ड्रिंक अगर गर्मा जाती तो उतना अच्छा लगता जबकि ये सब मैंगो ड्रिंक चल जाते थे उसके बावजूद. बिस्किट और जगह कोई मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं आप पार्टी फंक्शन में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भी आप प्रेफर करेंगे पार्टी में. मतलब ड्रिंक के नाम पर मैं तो भाई वाइन वगैरह कोई लेता नहीं हूँ तो मैं सोचा हूँगा कि भाई यहीं मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. वी कंडक्टेड अ कॉम्पिटिशन स्टडी यूजिंग ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक. We offered our potential consumers Parle products and their competing products and asked them which tastes better and why. इस वाले में थोड़ा लाइक टैंग ज्यादा लग रहा था जो मैंगो में एक्सपेक्ट नहीं करता. लाइक स्वीट सटल फ्लेवर ज्यादा ऐसा लगता है और उसमें थोड़ा कम लगा. कौन सा ज्यादा बेटर लगा आपको, राइट या लेफ्ट? तो ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है. सो आपको राइट वाला ग्लास क्यों अच्छा लगा? इसमें थोड़ा फ्रूट का फ्लेवर था, मतलब मैंगो का फ्लेवर था जो मुझे पसंद है, ऐसा टेस्ट आ रहा था. उसमें आपको एक मिक्स फ्रूट जैसा टेस्ट आ रहा था. मिक्स फ्रूट जैसा फ्रूट. ओके, और आपका जो लेफ्ट वाला था वो टोटली एप्पल
From all the responses, we could frame the following mind map. Mango, fruit juice, freshness, satisfaction, refreshment, chocolates, funky, long distance travel, happiness, childhood emotions. From the consumer perception, the essence that we could capture narrows down to one word, rejuvenate. And this is how we could expand the entity rejuvenate. Amusement, adventure, energy, travel, trek, spice, ready to go. We consulted some of the customers, the shop owners. आपने पार्ले फ्रियो या डिशुम नाम की ड्रिंक्स रखते हैं क्या यहाँ पे? मजा और स्लाइस ज़्यादा चलता है। ठीक है। या पार्ले फ्रियो या डिशुम रखे हैं क्या? नहीं बहुत। क्या होता है? लाइक सुना भी नहीं है कभी? नहीं। अच्छा ठीक। Some of the drinks like Dishum and Frio are not known by most of the customers, while some said that the competitors like Maza and Slice are doing better in their areas. Now let's look into some of the diversification strategies for the company. Parle Agro can collaborate with hotels and lounges wherein their beverages can be introduced as complimentary drinks in the hotel rooms. This will act as a refreshment for the guests and also enhance customer experience from the hotel's perspective. Parle Agro can start a cafe primarily offering their products. Consumers will be served various mocktails applying mixology on the company's drinks along with food items that go well with these drinks. The theme of the cafe will be youthful and would go well with our motto of rejuvenate. समर में ड्रिंकिंग गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं कैप भी नहीं लगाया था तो मैंने हैंकी बांध दिया। लिटरली गाइस इतना ज़्यादा गर्मी है, लिटरली 25 डिग्री। पार्ले एग्रो बेवरेजेस आर स्वीट एंड एक्ट एज एन एनर्जाइजर आफ्टर हैवी एक्टिविटी। पार्ले एग्रो कैन इंस्टॉल बूथ्स दैट केटर ऑल द ड्रिंक्स एंड लाइट स्नैक्स एट हाईवेज एंड पॉपुलर ट्रैक लोकेशंस। We propose diversification into the business of an amusement park rejuvenation. Apart from the rides, it would include booths that cater all Parle Agro products and shops with collaboration with brands like United Colors of Benetton and Crocs, as these are also perceived as funky, bright and adventurous. Parle Agro can diversify into a new product wherein they will manufacture chewable candies like mango and apple flavored shots, which would also go well with their original fruit concept. This can be sold across the country and would also mark as an entry into the chocolate industry. We propose entry into the sports drink segment, introducing a caffeinated energy drink that could be further promoted and used as a sponsorship brand for school events, college festivals, hackathons, and premier sport leagues. We plan to bring Parle Agro's underrated products such as Dishum and Frio along with their star products Appy and Fruity under one roof by introducing all the drinks into a fountain machine. These fountain machines will be placed at the locations preferred by our consumers. This is one way of piggybacking their emerging products to their established products. After the point of transaction with a consumer, it has been observed that kids and toddlers often spill their drinks all over themselves, creating a mess all over. For this, we plan to introduce a wet wipe with our product along with the existing straw. This would solve the purpose and also enhance consumer experience. What else does our existing consumer need? From the responses that we have received from our consumers, they would enjoy their Parle beverages with spicy snacks. So we propose a collaboration with Haldiram Snacks and Bingo Mad Angles, as the shape of the Mad Angles is same as the shape of Fruity's triangular tetra pack. Thank you.